हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो मॉर्निंग से ही शुरू हो चुकी है। मैं बना रही हूँ नाश्ता सबके लिए। सब बैठे हैं तो अभी उनके लिए बना लेते हैं। अंशुल भाई साहब हैं और सभी हैं वहाँ पे रूम में, न्यूज़ देख रहे हैं, साथ के साथ में नाश्ता भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे सभी बैठे हुए हैं और देख रहे थे न्यूज़ की क्या हाल है, लॉकडाउन और बढ़ेगा कि नहीं। सबको यही टेंशन रहती है क्योंकि सभी के काम छूटे पड़े हैं इस लॉकडाउन की वजह से। सभी को अपनी जॉब की टेंशन है, किसी को अपने रहने की टेंशन है, तो बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरना पड़ रहा है। सभी को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है और सबसे ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है मजदूरों को। उन्हें बेचारे को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा, बहुत मुश्किलों से भरा है ये दौर। अभी नाश्ता सबने कर लिया है, बर्तन धोने हैं और इधर ये भी नाश्ता करने के बाद अपने काम में लग गए हैं। हमारे जो ये पर्दे बाहरली साइड थे, अभी इनको हम अंदरली साइड करवा रहे हैं। तो ये सारे पाइप जो हैं हम अंदरली साइड ही लगवा रहे हैं, अंदर ही अच्छे लगते हैं। अंशुल भाई साहब से आता है करना तो इनसे ही करवा लेंगे। ये किसी काम से आए थे यहाँ पे, फिर हमने कहा हमारा एक काम और निपटा दो, कम से कम एक काम तो ख़त्म हो जाएगा हमारा। तो ये जो बाहर के कुंदे हैं इनको ही निकाल के लगाएंगे अंदर। ये भी इन्हीं की हेल्प करा रहे हैं, दोनों निकालने में लगे हैं। थोड़े से टाइट हो रहे हैं पर निकल जाएंगे और ऐसे जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा। दोपहर का काम ख़त्म करने के बाद अभी मैं कर रही हूँ घर की क्लीनिंग। बहुत बुरी हालत थी क्योंकि रात तूफान और बारिश आई, पूरे घर में रेत मिट्टी से भरा हुआ था। दिल भी नहीं लग रहा था कहीं भी, ऐसा मन कर रहा था पहले घर को ही साफ़ किया जाए और काम बाद में होता रहेगा। तो अभी मैंने पूरे घर में पोछा तो लगा दिया है अच्छे से, बच्चे सो गए हैं, अब आराम से ऐसा ही पड़ा रहेगा 2-3 घंटे तक क्योंकि बच्चे सो रहे हैं। इधर मैंने मशीन भी लगा रखी है, अभी चौक रह रहा है, इसको भी धोना है। यहाँ पे सारी यहाँ पे तो ज़्यादा ही मिट्टी हो रही है क्योंकि ऊपर लेंटर से उड़ उड़ के सारी यहीं पे आ गई हवा में। बहुत तेज़ हवा चल रही थी, सुबह में भी पड़ी है बारिश, पर सुबह इतनी तेज़ नहीं थी, ज़्यादा तेज़ तो रात भी नहीं पड़ी, पर फिर भी ठीक सी पड़ी है। और अभी बस मैं यहाँ पर धो देती हूँ पहले, उसके बाद ही धोऊँगी कपड़े। कपड़े तो मैं इधर धो लूँगी, कपड़े धोने के बाद इधर धुल जाएगा जहाँ मशीन लगी हुई है। बाकी इधर जो है यहाँ पर सारे मैं धो लेती हूँ। इधर ईंट भी रखी हुई है और थोड़ी से सामान मिस्त्रियों का भी रखा हुआ है। ईंट उतारनी है, अभी उतारने का टाइम नहीं लगा इनको, इनको भी उतारना है। हम ये सोच रहे हैं जब इसका बाथरूम का ढूला खुल जाएगा तभी अच्छे से सफाई करेंगे, फिर ऐसे ही फैल जाएगा, नहीं तो बार बार क्या लगेंगे इसमें। अभी फटाफट से धो लेती हूँ, फिर कपड़े भी धोने हैं। अभी कपड़े बहुत सारे हो रहे थे क्योंकि कल नहीं धुले, बृहस्पतिवार के भी हो रहे हैं और आज के भी हैं। इधर अभी फिर चाय का टाइम भी हो जाएगा, चाय भी बनानी है। चाय तो दीदी बना देंगी, वो अभी सो रही हैं, जब तक चाय का टाइम होगा तब तक उठ ही जाएंगी। और बस अभी मैं भी अपने काम को जल्दी से जल्दी कर लेती हूँ। फिर ये काम ख़त्म करने के बाद नहाना भी है, बेचैनी हो रही है। जब धूल मिट्टी का काम करते हैं तो नहाने की बहुत बेचैनी हो जाती है। और फिर जब तक ये काम ख़त्म होगा फिर शाम का टाइम हो जाएगा, ऐसे ही निकल जाता है पूरा दिन का, पता नहीं चलता। बहुत ज़्यादा काम फैल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, घर का काम ख़त्म ही नहीं होता क्योंकि घर का काम भी होता है और वीडियो का काम भी होता है, तो इस वजह से मेरा काम नहीं ख़त्म होता। वीडियो का काम करने बैठ जाती हूँ अगर घर का ख़त्म होता है तो फिर वीडियो का लग जाती हूँ करने के लिए। अभी टेंशन भी बढ़ गई है, उधर उनकी नौकरी की टेंशन रहती है कि अगर नौकरी छूट जाएगी तो फिर क्या करेंगे। खेती भी करनी बस की नहीं है उनकी, बीमार रहते हैं और खेती में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बचता कुछ नहीं है। तो इस वजह से मुझे बहुत दिन रात दिन टेंशन ही रहती है कि पता नहीं क्या होगा, नौकरी जाएगी कि बचेगी, कुछ भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा। अभी धो दिया है बस मैंने पूरे घर में, जिन्ने भी धो दिए हैं दोनों, जिन्ने में भी मिट्टी हो रही थी और इधर भी धो लिया है। बस अभी मुझे नहाना है कपड़े धोने के बाद, बाकी के काम तो फिर शाम के टाइम में ही होंगे, पर ये मेरे अभी ख़त्म हो जाएंगे थोड़ी बहुत देर में ही। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप सब भी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो वीडियो शुरू तो मॉर्निंग से ही हो गई थी तो अभी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। और आज दिन है शुक्रवार, डेट है आज 29 मई। पहले चाय बना लेते हैं उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। नीचे कोई आया है, 3 कप चाय बनानी है तो चाय बना लेते हैं उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। आज मुझे डॉक्टर के यहाँ भी जाना था और आँख में बहुत ज़्यादा खुजली आ रही है, आँख टेस्ट करवाने के लिए जाना था पर नहीं जा पाई, बहुत ज़्यादा काम हो रहा था। कपड़े भी धोए हैं बहुत सारे, ऊपर से बारिश
आई थी, तूफान आया था, घर में बुरा हाल था। ऊपर जो हमने लेंटर डलवाया बाथरूम पे, उस पर जो भी मिट्टी है, रेत है, वो सारा उड़ के पूरे घर में फैला हुआ था। बहुत मुश्किल हो गई आज सफाई करनी, बहुत टाइम लग गया उसमें। और कपड़े भी धुले हैं बहुत सारे, क्योंकि कल नहीं धुले थे बृहस्पतिवार को, तो उसमें बहुत टाइम चला गया। अभी पहले चाय बना लेते हैं, 3-4 कप नीचे जाएगी। वैसे तो सबने पी ली है इवनिंग की चाय, और अभी बस उनके लिए बना रही हूँ। तो आज देखिए हमारी जो टी पैन की डंडी है ये टूट गई थी, इस पे गिर गया था गेट जो हमारे बाथरूम का था, वो तो हमने खड़ा कर दिया और वो इस पे गिर गया। ये डंडी यहाँ से टूट गई, आधी हो गई, बहुत गंदी लग रही है, पर फिर भी गर्म तो नहीं होता, आसानी से पकड़ तो सकते हैं। इसको ठीक कराना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है जैसे छिपकली की पूंछ कट जाती है, छिपकली लगती है, ऐसा हो गया है हमारा टी पैन। तो अभी मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे रख दिया था घी, थोड़ा सा घी डाल दिया था और उसमें छोंक डाल दिया है। अभी छोंक हो जाएगा तो आलू टमाटर की सब्ज़ी छोंक लगा दूँगी। जीरा और छोंक अच्छे से भुन चुका है, तो अभी मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी और सारे सूखे मसाले, और जब ये पक जाएंगे तो बस मैं आलू को छोंक लगा दूँगी, आलू भी बन जाएंगे, फिर शाम की रोटी बनानी रह जाएगी। आज मैंने घी में इसलिए तड़का लगाया है, ऊपर तेल ख़त्म हो गया था, नीचे से लाना पड़ता और जल्दबाजी थी, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा घी में ही छोंक लगा लेते हैं। बस मैं इसी वजह से नहीं लगाती, पापा जी का बंद है तो इसी वजह से नहीं लगाती हूँ मैं घी में छोंक, कभी कभी लगा लेती हूँ घी में भी छोंक, बस आज जल्दबाजी थी, थोड़ा नीचे नहीं जाना हुआ, तो इस वजह से मैंने आज घी में ही छोंक लगा दिया। तो अभी ऊपर मम्मी लगी हुई हैं, बच्चे लगे हुए हैं, वो रख रहे हैं बिटोड़ा उपलो का, इनको नीचे उतारना था पर अभी बारिश का मौसम हो रहा है, मौसम ख़राब हो रहा है, तो सोच रहे हैं बिटोड़ा रख के इनको एक जगह यहीं पर ढक देंगे, तो इससे ये गिल्ले भी नहीं होंगे। और देखिए बिटोड़ा, छोटा सा बिटोड़ा हमारा बनकर तैयार हो गया है, बच्चे भी सारे लगे हैं उपले पकड़वाने में, दीदी भी हैं बड़े वाली, वो भी हेल्प कर रही हैं। वैसे ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं गुल्ले बनाए हैं हमने, ज़्यादा तो उपले तो हमने थोड़े ही बनाए हैं। फ्रेंड्स वीडियो कैंड कर रही हूँ मैं आज, अभी बजे हैं 11 बज चुके हैं, तो दोपहर में कर रही हूँ। सुबह से भी मेरा आज ऐसा ही है, हालत ख़राब थी, मुझे थोड़ी बीपी की प्रॉब्लम हो रही थी आज, चक्कर से भी आ रहे थे, और फिर मैं 10-15 मिनट के लिए लेट गई तो मुझे नींद आ गई थी। वीडियो का एंड मैं रात भी नहीं कर पाई, रात भी सर में दर्द था, सॉरी। और वीडियो को लेट हो जाएगा मेरी, नेट की भी प्रॉब्लम हो जाती है, फिर थोड़ा लेट नेट की वजह से भी होती है वीडियो, तो मैंने सोचा वीडियो कैंड कर लेते हैं, आप लोग वेट करते हैं। और मैं जानती हूँ मेरी वीडियो का कोई टाइम नहीं है, टाइम बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा है, पर फिर भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ, पर कुछ ना कुछ परेशानी आ ही जाती है मेरे सामने, जिस वजह से वीडियो लेट हो ही जाती है और आप लोग को वेट करना पड़ता है। मैं आप लोगों को बहुत वेट कराती हूँ, उसके लिए सॉरी। पर आज तबीयत ख़राब थी, चक्कर आ रहे थे, नींद सी आ रही थी, तो इस वजह से ना ही वीडियो कैंड कर पाई, ना ही वीडियो एडिट कर पाई, आज मेरी वीडियो ये लेट ही जाएगी। तो वैसे रोज़ ही लेट हो जाती है, और पता नहीं आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है कि नहीं, प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके कि कैसी लगती है आप लोग को मेरी वीडियो, और जो मैं रेसिपी दिखाती हूँ वो कैसी लगती है। और अभी आम के अचार डलेंगे बहुत तरीके के, वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। कुछ नाम भी लेने थे पर मैं अभी भूल गई हूँ, आप लोग मेरे याद दिला दीजिएगा, जिसको अपने नाम वीडियो में जिसके नाम वीडियो में लेने हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आज मैं भूल गई हूँ नाम लेना, वैसे मुझे कमेंट आया था पर मैं भूल गई हूँ, देखने पड़ेंगे, और रिप्लाई भी नहीं किया अभी मैंने, कमेंट का रिप्लाई भी करना है, बहुत सारा काम है आज जो कि करना है। तो जल्दी जल्दी से वीडियो का एंड कर लेते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाइएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, मुझे कमेंट भी करें,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ। और एक कमेंट मुझे बहुत बार आ चुका है कि आप अपने मायके कब जा रही हैं, तो मैं अपने मायके जा रही हूँ परसों, और आप लोगों को वहाँ के बहुत अच्छे अच्छे भी लोग देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ही देखिए और मेरे साथ ऐसे बने रहिए, हमें समझे सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ख्याल रखिए। बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं रास्तों में, तो उनसे बच के रहिए। चलिए अभी चलते हैं, राम राम जी, बाय बाय, टाटा।